हाय फूड फैम, वेलकम टू माय सेकंड फूड व्लॉग जिसमें हम बनाने वाले हैं मटन का इजी सालन, जिसमें हमने लिया है 250 ग्राम्स गोश, कांदा, टमाटर, मिर्ची, धनिया, पुदीना और सूखे मसालों में हमने ले लिया है धनिया, ज़ीरा, सौंफ, स्टार फूल, जावित्री, लौंग, इलायची और काली मिर्च। यहाँ हम ले लेंगे गरम मसाला पाउडर और एवरेस्ट का मटन मसाला और बारीक कटी हुई प्याज। अब हम कुकर रेडी कर लेंगे जिसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, सूखे मसाले, सौंफ, ज़ीरा, धनिया, जावित्री और बारीक कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर हम उसे मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ हम ऐड करेंगे गोश्त, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, मटन मसाला पाउडर ऐड करेंगे। मसाला अच्छी तरीके से भुनने के बाद हम लिड क्लोज़ कर देंगे। लिड क्लोज़ करने के बाद गोश्त को अच्छे से पका लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे, उसके अंदर नमक ऐड करेंगे। फिर हम मिक्सर ग्राइंडर ले लेंगे जिसमें हम कांदा ऐड करेंगे, टमाटर मिर्ची ऐड करेंगे, धनिया पुदीना ऐड करेंगे और सूखे मसाले ऐड करेंगे। फिर उसे अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हम तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने के बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच और तेल, यानी हमें 2 चम्मच तेल लेना है, बारीक कटी हुई प्याज। अच्छे से उसे फ्राई कर लेंगे। मसाला ऐड कर देंगे पिसा हुआ, अच्छे से उसे भून जाने देंगे और लिड क्लोज़ कर देंगे। लिड ओपन करने के बाद जब तेल ऊपर आ जाए उसमें हम ऐड करेंगे सूखे मसाले, जो कि गरम मसाला और मटन मसाला है, नमक। उसे अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून जाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे गोश्त जो हमने अच्छे से गला लिया है, उसे अच्छे से भून लेंगे। अब इस पॉइंट पे हम पानी मिला देंगे और अच्छे से सालन बॉईल कर लेंगे। यहाँ हमारा सालन रेडी हो चुका है जो कि इतना डिलीशियस लग रहा है और टेस्ट में भी वाकई डिलीशियस है।